दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे दिन भारतीय टीम के जबरदस्त प्रदर्शन को देख दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको देख दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच वसीम जाफर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में से कौन है भारत का सबसे खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर चौथा टेस्ट खेला जा रहा है, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 353 रन पर ऑल आउट किया, तो वहीं भारतीय टीम 307 रन पर ऑल आउट होकर 46 रन से पीछे हो गई। हालांकि इस बीच इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 145 रन ऑल आउट होकर बनाए और 191 रन की लीड हासिल कर 192 रन का लक्ष्य भारत को दे दिया, जहां 8 ओवर में तीसरे दिन के समापन तक भारत ने 40 रन बिना विकेट खोकर बनाए और अब भारत को जीत के लिए 152 रन की आवश्यकता है। ऐसे में दूसरी पारी के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट लिए, तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। ऐसे में अब भारतीय टीम जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जिसको देखकर दुनिया भर के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें वसीम जाफर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और अश्विन ने आज काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। दोनों ने जिस प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाई है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय टीम का तूफानी प्रदर्शन आज देखने को मिला है, वो बताता है कि भारतीय टीम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर रहा है। जिस प्रकार से सुबह इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया गया था, उसके बाद बल्लेबाज को भी भारतीय गेंदबाजों ने परेशान किया, ऐसे में भारत के तूफानी प्रदर्शन के दम पर भारत को जीत मिलेगी। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव, अश्विन दोनों ने बेहतर गेंदबाजी की है। दोनों की गेंदबाजी आज भारतीय टीम के लिए जीत का अंतर पैदा कर चुकी है, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी बेहतर गेंदबाजी नहीं करते तो इंग्लैंड की टीम को 145 रन पर रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि इस मैदान पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे गेंदबाजों ने विरोधी टीम को परेशान किया है, वो बताता है कि हमारी टीम के गेंदबाजों के खिलाफ किसी का थोड़ा सा भी बेहतर प्रदर्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए अब जीत की स्थिति तैयार हो चुकी है, ऐसे में अब हमारी टीम को चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन जीतने से कोई भी गेंदबाज नहीं रोक पाएगा। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के गेंदबाजों की इस मैच में गेंदबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। जिस प्रकार से पहले और दूसरे दिन खेल चला है, उसको देखकर मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम इस मैच में हद पर हावी होकर मैच में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर आई है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी टीम ने तीसरे दिन बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच में सभी को प्रभावित किया है और मैच के अंदर जीत के करीब पहुंचने का कार्य किया है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजों की राह आसान हो गई है और अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करने के साथ चौथे टेस्ट के चौथे दिन जीत भी मिलने वाली है। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए गेंदबाजों ने काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी की और बल्लेबाजों ने भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से तीसरे दिन का खेल भारत के पक्ष में गया है, उस तरीके का खेल पहले और दूसरे दिन के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता तो भारतीय टीम इस मैच में पीछे नहीं होती। लेकिन तीसरे दिन के खेल के चलते भारत मैच में वापस आया है और अब जीत के करीब पूरी तरह हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि कुलदीप यादव और अश्विन की शानदार गेंदबाजी के बाद भारतीय टीम को चौथे टेस्ट मैच के अंदर चौथे दिन जीत दर्ज करने से विरोधी टीम का कोई भी गेंदबाज अब हमें नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को इंग्लैंड की टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में जीत हासिल करने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने भी बेहतर खराब प्रदर्शन किया। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 73, कप्तान रोहित शर्मा 2 और शुभमन गिल ने 38 रन बनाए। इसके अलावा भी भारतीय टीम का पूरा टॉप ऑर्डर टॉस के पत्तों की तरह बिखर गया। दो दिनों की समाप्ति के बाद भारत ने पहली पारी में 73 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए। फिलहाल टीम इंडिया 134 रन पीछे थी। ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर करीब 100 मौजूद थे। भारतीय टीम मुश्किलों में फंसती दिख रही थी। इसके बाद जब आगे तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द भारतीय टीम के 3 विकेट हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बनाया गया 1-1 रन उनको मैच से दूर ले जा रहा था। लेकिन ध्रुव जुरेल तो मैदान से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वह तो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। दोबारा जब खेल शुरू किया गया तो इन दोनों ने संभाल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ाया। कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। 86वें ओवर की इन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और इंग्लिश टीम के भारत को जल्द से जल्द आउट करने के प्लान पर भी पानी फेर दिया।
तभी जेम्स एंडरसन ने अपना असली रंग दिखाया और अपनी कातिलाना गेंद से आखिरकार उन्होंने कुलदीप के डिफेंस को भेद कर उनके विकेट उखाड़ दिए और कुलदीप यादव की पहली पारी का आखिरकार अंत हुआ। लेकिन जाने से पहले कुलदीप यादव ने 131 गेंद खेल डाली। इस दरमियान उन्होंने दो बेहतरीन चौके भी लगाए और आखिरकार जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जुरैल रुके नहीं, देखते ही देखते इन खिलाड़ी ने न केवल अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया बल्कि साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया की वापसी की कहानी लग दी। उनका आकाशदीप ने बखूबी साथ निभाया और एक खिलाड़ी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। दूसरी तरफ ध्रुव ने एक के बाद एक कई बेहतरीन छक्के लगाए लेकिन आकाशदीप केवल 9 रन बनाकर शोएब बशीर का शिकार हो गए। ध्रुव 90 रन बना चुके थे, वह अपने शतक के बेहद करीब थे और दूसरी तरफ सिराज पर उनका बखूबी साथ निभाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन शतक बनाने की जल्दी में ध्रुव गलती कर बैठे और टॉम हार्टले ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय पारी को समेट दिया। लेकिन ध्रुव जुरैल ने खतरनाक अंदाज में 6 चौके 4 छक्कों की बदौलत 90 रन की यादगार पारी खेली और टीम इंडिया को 307 रनों पर पहुंचाया, जहां भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए स्कोर से 46 रन पीछे रह गई। इसी के साथ लंच ब्रेक ले लिया गया। लंच ब्रेक के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी का आगाज करने बेन डकैत और जैक क्रॉली की जोड़ी मैदान पर उतरी। अपने रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजों की जगह पर दोनों छोर से स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला किया। आर अश्विन ने भारत में बॉलिंग की शुरुआत की, वहीं दूसरे छोर से रवीन जडेजा ने गेंदबाजी का भार संभाला और उसका फायदा भी बहुत जल्द मिला। पांचवें ओवर में आर अश्विन ने बेन डकैत और ओली पॉक को आउट कर भारत को न सिर्फ बैक टू बैक 2 सफलताएं दिलाई बल्कि भारत में अपने 351 विकेट भी पूरे कर लिए। वह घरेलू सरजमी पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। डकैत 15 रन बनाकर चलते बने, ओली पॉप के तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। टीम इंडिया की उन्होंने तगड़ी वापसी कर दी और नंबर 4 के पायदान पर अब टीम इंडिया की हालत बिगाड़ने के लिए पिछली पारी के शतक वीर जो रूट कदम रख चुके थे। जैक क्रॉली और जो रूट ने इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट खोने के बाद इंग्लैंड के लिए इन दोनों ने तेजी से 38 रन जोड़ लिए। भारत को इस जोड़ी को तोड़ने की जरूरत थी। उसी समय अश्विन ने जो रूट की रूप में बड़ी मछली फंसाई। पारी के 17वें ओवर के आखिरी गेंद पर अश्विन ने रूट को LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। भारत के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था। अश्विन के नाम अभी तक 3 विकेट रहे थे। रूट भी केवल 11 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए जॉनी बेयरस्टो ने रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दूसरी तरफ जैक क्रॉली ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में एक और अर्धशतक जड़ दिया। उन दोनों की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 26वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। वहीं उनकी लीड भी 150 से अधिक रनों की हो गई। टीम इंडिया मुश्किल में थी। तभी रोहित अपने तुरुप के इक्के कुलदीप यादव बुलाते और आते इस गेंदबाज ने जैक क्रॉली को आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दे दिया। क्रॉली 60 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कुलदीप यादव ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें क्लोन बोल्ड किया और इंग्लैंड को 110 रन के स्कोर पर चौथा झटका दिया। फिर उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने कप्तान बेन स्टोक्स आए थे लेकिन कुलदीप की फिरकी के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 33वें ओवर में कुलदीप ने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करा आधी इंग्लिश पारी को समेट दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 120 रन बने थे। इंग्लैंड की लीड 166 रनों की हो गई थी और टीम इंडिया ने उनके 5 बल्लेबाजों को ढेर कर मजबूत में स्थिति में हासिल कर ली। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 33 ओवर खेलकर 120 रन बनाए थे। टी ब्रेक के बाद वापस आते ही टीम इंडिया जल्द से जल्द इंग्लैंड को समेटना चाहती थी और आते ही जडेजा ने सेशन की पहली गेंद पर बेयरस्टो का शिकार कर इंग्लैंड को छठवा झटका दिया। यहाँ बेयरस्टो 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब तो भारतीय टीम के लिए काम बहुत आसान था लेकिन हार्टले के इरादे तो कुछ और ही थे। जडेजा की गेंद पर 38वें ओवर में एक तूफानी छक्का इस बल्लेबाज ने लगाया और अपने तेवर दिखा दिए लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबे नहीं चल पाई। कुलदीप ने हार्टली को आउट कर इंग्लैंड को 7वां झटका दिया। ऑली रॉबिन्सन को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर उन्होंने इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। केवल 133 रन पर ही इंग्लैंड ने अपने 8 बल्लेबाज गवा दिए और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मुकाबले में शिकंजा कस लिया। इंग्लैंड ने टीम इंडिया पर 179 रनों की लीड बनाई लेकिन ज्यादा देर तक इंग्लैंड बल्लेबाजी नहीं कर पाई। बस फिर क्या था दोस्तों, पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 145 रनों पर ही सिमट गई। रविचंद्रन अश्विन ने अपना पंजा खोलकर एक नया इतिहास लिख दिया जिसके बदौलत अब टीम इंडिया को केवल 192 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में हासिल हुआ था। रोहित और जायसवाल जल्द से जल्द टीम इंडिया को जीत दिलाने के इरादे में आ चुके थे। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को तो जल्दी से जल्दी समेटना चाहते थे लेकिन उनकी रणनीति दूसरे ओवर में ही फ्लॉप हो गई। इस बार कप्तान रोहित ने दूसरे ओवर में टॉम हार्टली को आड़े हाथों लेकर एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर अपने तेवर अंग्रेजों को दिखा दिए। तीसरे ओवर में जायसवाल ने भी रूट के खिलाफ बेहतरीन चौका जड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अपने बल्ले से तबाही ही मचा कर रख दी। चौथे ओवर में भी हार्टले के खिलाफ रोहित ने एक बार फिर से लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाए और टीम इंडिया को 5 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। और देखते ही देखते दिन का खेल खत्म होने तक उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से न केवल टीम इंडिया का आसान से जीत की तरफ बढ़ चली बल्कि हम 3-1 से यह टेस्ट सीरीज अपने नाम करने के बेहद करीब थे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया की जीत के बाद कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच, अश्विन, जुरैल, कुलदीप या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों रांची के मैदान पर 2 दिनों का खेल देखने के बाद तो इंग्लैंड फैंस, उनकी टीम और उनके सभी खिलाड़ी बेहद खुश नजर आ रहे थे क्योंकि इंग्लैंड की टीम भारत पर हावी होने लगी थी। ऐसा लगा था कि ये चौथा टेस्ट मैच जीत जाएंगे, ये तब भी उन्होंने तो अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया था लेकिन उन्हें क्या पता था कि टीम इंडिया ऐसे मैचेस को चुटकियों में पलट देती है। और जब तीसरे दिन जुरैल और कुलदीप ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा समा बांधा कि इंग्लैंड
इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीन कर टीम इंडिया की झोली में मैच को ला खड़ा कर दिया, तब तो मानो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, टीम इंडिया की पहली पारी को संभालते हुए जुरेल ने ऐतिहासिक 90 रन बनाए और इस दरमियान उन्होंने 6 चौके तो वहीं 4 खतरनाक छक्के भी लगाए थे। कुलदीप ने 28 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में टीम इंडिया 307 रन बना गई।